किसी बादशाह ने हमारे देश की खूबसूरती को देखकर कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और तुम्हें देखकर लगता है कि उस स्वर्ग की कोई अप्सरा है तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम कौन हो? हवा का एक झोंका जो उधर से आया और इधर चला जाएगा। तुम रहते कहाँ हो? असीनों के दिल में। करते क्या हो? मोहब्बत और खूबसूरत चीज से। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, सच कहता हूं। पता नहीं कभी तुमने अपने आप को गौर से देखा है या नहीं, मगर मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। बातें अच्छी बना लेते हो, कहां जा रहे हो? नवलगढ़, मेरी माँ रहती है वहां। बहुत अरसे के बाद अपने घर जा रहा हूँ। तुम तो राजा साहब की पोती नीलम हो ना? तुम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम मेरे दादाजी से मिले हो? लेकिन जब उन्हें मिलूंगा तो उनसे जरूर कहूंगा कि उनकी नीलम बहुत खूबसूरत है। पहली मुलाकात में ही उसने आनंद का दिल जीत लिया। तो तुम्हारा नाम आनंद है? हाँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। कब? जब तुम चाहो। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहे जिस दम, मैं गया वक्त नहीं कि फिर आना सकूं। तो फिर कल यहीं मिलेंगे, आओगे ना? बाय बाय। बाय बाय। पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है नीलम, मगर मैं तो इंसान हूं और इंसान हर पल 100 बार जीता है और 100 बार मरता है। इसमें जीने मरने की क्या बात है? अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं नहीं जानता था कि मेरे उस दिन आने से तुम इतनी नाराज हो जाओगी। मैं तो ऐसे ही नहीं आया था। किसी की जान गई और तुम्हारी अदा ठहरी। दरअसल मेरी माँ ने मुझे रोक लिया था। वो क्या है कि मैं इतने दिनों बाद माँ को मिला हूँ ना, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। न जाने मुझे भी क्या हो गया है, ऐसा तो कभी नहीं होता था। क्या जादू कर दिया है तुमने कि तुमसे मिलने को इतनी परेशान हो गई थी? इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं तो तुमसे मिलता रहता हूँ। तुम मुझसे? कब मिले थे? सपने में। सपने में? हाँ। ये बात तो सच है, सपने में तो हम लोग मिले थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतनी रोमांटिक जगह है ये, पुराने जमाने में ये जगह बहुत खूबसूरत रही होगी। मैंने सुना ये तुम्हारे पुरखों की हवेली थी। हाँ, हमारे बुजुर्ग कभी यहाँ रहते थे। मम्मी डैडी भी? नहीं, वो लोग नई हवेली में रहते थे। फिर भी डैडी को इस जगह से बहुत लगाव था, वो अक्सर यहाँ आया करते थे। क्यों? ये तो मालूम नहीं, मगर उनकी माँ उन्हें यहाँ आने से रोकती थी। माँ बता रही थी किसी जगह पर तुम्हारे डैडी को बचपन में सांप ने काट लिया था। एक साधु ने उन्हें तो बचा लिया था, मगर वो सांप मर गया था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि वो सांप मणिधारी था, और अगर ये सच है तो मणि यही कहीं होनी चाहिए। मणि? ये मणि क्या चीज है? तुम्हें नहीं मालूम? बहुत ही कमाल की चीज है, जादू चिरा की तरह। वो जिसके हाथ लग जाए वो दुनिया के बड़े से बड़े खजाने का मालिक बन सकता है। चलो ढूंढते हैं उसे। आनंद, मुझे दुनिया के किसी खजाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा सबसे कीमती खजाना तो मेरे सामने है, जो न जाने कितने जन्मों की तपस्या के बाद मेरे हाथ लगा है। अरे क्या सोच रहे हो? चलो तुम्हारे घर चलते हैं, माँ जी से मिलने।
चलो ना। क्या बातें हो रही हैं? चले आनंद। अच्छा ये कैसे हो सकता है बेटी, पहली बार हमारे घर आई हो, बिना कुछ खिलाए थोड़े ही जाने दूंगी। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या देख रही हो? जानती हो माँ जी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी माँ? यही कि हमारी शादी के बारे में दादाजी से बात करेंगी। शादी? इतनी जल्दी क्या है? इसका मतलब है माँ जी ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी माँ? यही कि शायद तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे। पहले भी तुम 15 साल तक कहीं गायब थे, कहाँ रहे इतने साल? छोड़ो ना पुरानी बातों को, आओ बैठ। बात को टालो मत आनंद। तुमने कभी ये सोचा है कि वो 15 साल माँ जी ने कैसे काटे होंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अरे तुम तो भाषण देने लग गई, मैं कहाँ माँ को छोड़कर जाने वाला हूँ। एक बात याद रखो आनंद, माँ जी का तुम्हारे बगैर कोई नहीं है। बचपन की बात और थी, अगर आप तुम उन्हें छोड़कर चले गए तो शायद ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आनंद अब सिर्फ माँ जी ही नहीं, तुम्हें जाने से पहले मेरे बारे में भी सोचना होगा। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी का मकसद हो। तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं अपनी जिंदगी के अंधेरों में ना जाने कब तक भटकता रहता। आनंद आई लव यू। आनंद
नीलम तुम यहाँ कैसे आ गई? निकल चलो यहाँ से जल्दी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम किसी स्वार्थ के लिए मेरी जिंदगी में आओगे। नीलम मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो खुद तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे गोरखनाथ से छुटकारा मिला। गोरखनाथ से तुम्हारा क्या संबंध है? ये मेरी जिंदगी का डरावना इतिहास है नीलम। जब मैं 7 साल का था गोरखनाथ मुझे मेले से उठाकर ले गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक शमशान में पाया जहां गोरखनाथ सिद्धि कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बलि चढ़ाकर अपनी सिद्धि पूरी करेगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसने मेरी बलि नहीं दी बल्कि शमशान में खोपड़ियों के बीच लेटाकर मेरे ऊपर काले ओढ़ फेंककर मंत्र पढ़ने लगा। मेरा शरीर एकता गया, मैं बेहोश हो गया और उसने अपनी तंत्र विद्या से मुझे सांप बनाकर एक पिटारी में बंद कर दिया। पूरे 15 साल मैं उसी तरह पिटारी में बंद रहा। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा, लेकिन अचानक एक दिन गोरखनाथ ने अपनी स्वार्थ सिद्धि का मोहरा बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया। तो तुम मणि लेने के लिए मेरे पास आए थे? मैं तुम्हारे पास आया जरूर था, लेकिन मणि मुझे नहीं गोरखनाथ को चाहिए। बल्कि तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हें उसके हवाले करने का इरादा ही छोड़ दिया, क्योंकि उस तांत्रिक के हाथों जो तकलीफें मैंने उठाई हैं, मैं नहीं चाहता कि वही तकलीफें तुम भी उठाओ। इसलिए उसने अपने तंत्र विद्या से दोबारा मुझे अपने वश में कर लिया और अब मुझे जीने के लिए गोरखनाथ का खून करना ही पड़ेगा। नहीं आनंद, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी साधु की हत्या करो। तुम नहीं जानती नीलम, उसे मारने से बहुत लोग बच जाएंगे। अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए उसने ना जाने कितने लोगों की बलि दी है और मणि पाने के लिए ना जाने और कितने लोगों की बलि देगा। वो मणि उसे नहीं मिलेगी आनंद, चाहे उसके लिए वो अपनी ही बलि क्यों ना दे दे। नीलम एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने मुझे छुड़ाया कैसे? तुम्हें ये शक्ति मिली कहां से? ये सब मेरी माँ के आशीर्वाद का प्रताप है। अगर तुम चाहो तो अब मैं तुम्हें उस मणि तक ले जा सकती हूँ। नहीं नीलम, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये मणि हासिल की है वो इसका सुख भोगने के लिए जिंदा नहीं बचा। गोरखनाथ के गुरु भैरवनाथ ने सारी जिंदगी मणि पाने के लिए संघर्ष किया और जब वो मणि के पास पहुंचे तो उन्हें सांपों ने डस लिया और वो मर गए। तुम्हारी माँ भी तो मणि का सुख नहीं भोग सकी, वो भी तुम्हारे पिताजी के साथ कार एक्सीडेंट में मर गई। और सबसे बड़ी मिसाल तो भगवान कृष्ण की है, उनकी मौत भी मणि की वजह से हुई थी। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई? 15 साल गोरखनाथ के साथ रहकर अच्छी बुरी कई बातें मैं जान गया हूं, और ये सब जानने के बाद कौन मूर्ख मणि को पाने की कोशिश करेगा। नीलम तुम्हें पाकर मुझे दुनिया की और कोई चीज नहीं चाहिए, और सबसे कीमती चीज तो तुम हो। आनंद चलो घर चलते हैं, माँ जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, चलो।